तो हेलो, कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग? सो आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया से होंगे। तो दोस्तों, इस वक्त दोपहर के 1 बज गए हैं और आज ना मौसम थोड़ा बाहर अच्छा है, मतलब बारिश का एकदम से मौसम हुआ है। धूप बिल्कुल भी नहीं है और लग रहा है कि बारिश होगी। हालांकि अभी तो एकाध ठे बस पानी पड़ रहा है, लेकिन लग रहा है कि शाम होते होते हो सकता है कि तेज़ बारिश हो जाए। तो अभी ना हम चल रहे हैं ना कुछ नाश्ता बनाने, तो बच्चे स्कूल से आ गए हैं और वो लोग थोड़ा सा दोपहर का खाना खा के आराम कर रहे हैं। तो मैं चल रही हूँ फटाफट से उनके लिए नाश्ता तैयार करने, और उनका बहुत मन है कि आज कुछ नाश्ता बनाए। वैसे मैं ये सब नाश्ते जल्दी बनाती नहीं थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ थी। तो आज मौसम चेंज है तो चलो कुछ अलग ट्राई करते हैं। तो मैंने आलू रख दिए हैं यहाँ पे उबलने के लिए। दरअसल ना मैं बना रही हूँ समोसा। तो समोसा समोसा की तरह नहीं बनाएंगे, मतलब उस समोसा को ही मतलब दूसरे स्टाइल में बनाना चाह रहे हैं। तो मैं समोसा रोल बनाने वाली हूँ, देखते हैं बना पाते हैं कि नहीं। तो उसके लिए फटाफट से चलिए तैयारियाँ कर लेते हैं। तो आलू रख दिए उबलने के लिए, तब तक मैं ना अदरक और मिर्च वगैरह अमाइन मैन काट के तैयार कर लेते हैं। तो बता दें कि मेरा ब्लॉग और किचन का चैनल समझ लीजिए अब मेरा यही एक ही है जिसमें चल रहा है। अब डेली वीडियो शूट नहीं कर पाते हैं क्योंकि आजकल मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम में हूँ। यूँ कहे कि मैं बता भी नहीं पा रही हूँ, तो जैसे डिप्रेशन टाइप का, समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन अभी फ़िलहाल समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आप लोग को बता भी नहीं पा रही हूँ। तो चलिए देखिए, मेरा आलू जो है देखिए उबल गया है और उसको तो मैं रख दे रही हूँ ताकि वो ठंडा हो। तब तक ना ये मैदा मैं गूँथ लेती हूँ। तो पैकेट का मैदा ले आए थे मार्केट से और उसमें हम डाल देते हैं देखिए अजवाइन। तो जाहिर सी बात है कि जब समोसा बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसका आटा लगा के तैयार कर लेते हैं। तो मैदा में हम डालते हैं अजवाइन और डालेंगे फिर इसमें हल्का सा नमक, ताकि इसमें भी थोड़ा नमक का टेस्ट आए, मैदे में भी जो ऊपर से हम कवर करते हैं, तो हल्का सा नमक का टेस्ट आता है तो अच्छा लगता है। तो इसमें हम नमक डाल दे रहे हैं और अब इसमें हम डालेंगे तेल, और तेल डाल के फिर इसको अच्छे से मिक्स करके हम गूँथ लेते हैं। तो आटा को तो हम बिल्कुल नॉर्मल पानी से ही गूँथ रहे हैं। नॉर्मल पानी, ऐसे आप जब ठंडी में इसको गूँथते हैं ना तो थोड़ा हल्का गुनगुना पानी कर लेते हैं, लेकिन पानी तो नॉर्मल ही है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है। तो नॉर्मल पानी से मैं आटा लगा ले रही हूँ। तो फटाफट से आटा लगा के इसको हम रख देते हैं 15 मिनट के लिए रेस्ट पर। तो ये आलू जो हमने उबाले थे, आलू को हम छील लिए हैं, आलू ठंडा भी हो गया है और अब इसे ना हम कद्दूकस कर लेते हैं। वैसे तो समोसा में आलू तोड़ के हम डालते हैं, लेकिन चूंकि ये हम अलग तरीके से बना रहे हैं, रोल बना रहे हैं, तो इसमें हम आलू को इस तरह से कद्दूकस कर ले रहे हैं। बता दें, आलू को ना हम ज़्यादा उबाल दिए हैं तो आलू ना नरम हो गया है। तो ये देखिए ऐसे ही एकदम से बिल्कुल महीन सा हो जा रहा है। तो जो कद्दूकस होते बन रहा है उसको कर ले रहे, उसके बाद ऐसे इसको महीन सा हम मसल के एकदम से तैयार कर लेंगे। तो सभी आलू को ना देखिए हम इसी तरह से मसल के या कद्दूकस करके सब रख लिए हैं। तो अब कढ़ाई हम चढ़ा दिए हैं आँच पर, और इसमें हमने डाले थे देखिए 2 बड़े चम्मच के लगभग सरसों का तेल, और उसमें हम 1 चम्मच कूटी हुई साबुत धनिया डाल देते हैं, और 1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे जीरा। इसको थोड़ा अच्छे से चटका लेते हैं और हमारा रोल जो है टेस्टी बने इसमें हम थोड़ा सा हींग भी डाल दिए हैं। तो इसके बाद जीरा को थोड़ा चटका लेंगे, और चटकाने के बाद ना आँच का फ्लेम हम एकदम से कर देंगे देखिए कम। तो हम मसाला तैयार कर रहे हैं समोसा का, तो पहले इसमें हम मसाले भून लेंगे। तो आँच का फ्लेम एकदम कम कर देंगे ताकि तेल जो है जले ना। तो अब इसमें हम डाल देंगे जो हमने मिर्च और अदरक डाल रखे हैं वो, और उसको भी भून लेते हैं। तो अदरक मिर्च भूनने के बाद फिर अब इसमें हम मसाले भूनेंगे। तो मसालों में हम सबसे पहले डाल देते हैं देखिए हल्दी पाउडर, और इसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया गरम मसाला पाउडर। तो धनिया गरम मसाला तो हम मिक्स करके हमेशा रखते हैं, अलग से मैं गरम मसाला नहीं रखती हूँ। तो धनिया गरम मसाला पाउडर हमें डाल दिए हैं, और अब इसमें डालेंगे जीरा पाउडर, कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, एक बार डाल के देखिएगा। और इसके बाद इसमें हम डाल दे रहे हैं अमचूर पाउडर। अब इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे देखिए लाल मिर्च पाउडर, ताकि जो हल्का सा बस मुझे तीखा चाहिए मसाले में, थोड़ा सा कलर चाहिए। तो बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। अगर आपको लाल मिर्च का तीखा नहीं पसंद है तो आप यहाँ पे ना भी डालिए। और फिर मसाले को ना थोड़ा सा भून लेंगे, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा भूनेंगे। ये तेल में हम मसाले डाल दिए हैं तो बहुत जल्दी से मसाला जो है पक जाता है। तो जैसे ही मसाला पक जाएगा तो इसमें फिर हम डाल देंगे जो हमने आलू कद्दूकस करके रखे थे।
इसको डाल के ना खूब अच्छे से भून लेंगे। आलू को अच्छे से मसाले के साथ भून लेंगे ना तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। आलू जितना बढ़िया से भून जाता है, आलू अपने आप में बहुत टेस्टी हो जाता है। आप मुझे सब्ज़ी बनाते वक्त भी देखते हैं कि मैं उसमें आलू अच्छे से भूनती हूँ, तो मुझे ना आलू का भुना हुआ बहुत पसंद आता है, इसलिए मैं इसमें देखिए स्वाद के अनुसार नमक डाल के और इसको अच्छे से चला के भून ले रही हूँ। और जब इस तरह से आलू हम भून लेते हैं ना, तो इस आलू का बहुत कुछ बना सकते हैं। इस आलू से कई ठो रेसिपी तैयार हो सकती है। इसका पराठा भी बना लीजिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और समोसा बना लीजिए, आलू चप बना लीजिए, टिकिया बना लीजिए, मतलब आप इससे बहुत सारी रेसिपी तैयार कर सकते हैं। तो फिलहाल आलू हमारा देखिए भून गया है, तो अब मैं आज का फ्लेम बंद करती हूँ और इसको निकालते हैं ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। और अब हम जो है, जो हमने मैदा गूंथ के रखे थे उसको देखिए कितना बढ़िया से सेट हो गया है। तो अब चलते हैं फटाफट से, हम रोल बेलकर तैयार कर लेते हैं। तो थोड़ा सा आटा मतलब हम तोड़ेंगे, उसकी लोई बनाएंगे, जैसे कि हम रोटी के लिए तोड़ते हैं उस तरीके से, क्योंकि हम इसका जो है रोल बनाने के लिए, ये जो हमारा ये चकला है ये छोटा है, तो इसी हिसाब से हम इस पर लोई का रोटी बेल कर तैयार कर लेंगे। तो इसको चलिए हम बेल कर तैयार कर लेते हैं। बहुत हमको पतला या मोटा उस तरह से नहीं, जैसा मतलब समोसा भरते वक्त हम बेल के तैयार करते हैं, सेम उसी तरह से हमें ये रोटी बेल के तैयार करनी है उसी शेप में। तो फटाफट से चलिए हम बेल के तैयार कर लेते हैं। तो जब हम इस तरह से गोल रोटी बेल के तैयार कर लेंगे ना, तो उसको चौकोर आकार देने के लिए ना थोड़ा सा उसके साइड से हम कट कर लेंगे, ताकि ये बिल्कुल एक बराबर और चौकोर आकार में हो जाए, क्योंकि हमें इसका रोल बनाना है। तो गोल रहेगा तो अच्छे से रोल नहीं बन पाएगा। तो इस तरह से हमने देखिए इसको कट कर लिया। और फिर ये जो आलू का मसाला है ना, ये हम लेंगे और इसे हाथ में लेंगे और इस तरह से इसका हम रोल बना लेंगे। तो इसका रोल बनाने के बाद हम इसे मैदे के ऊपर इस तरीके से रख देंगे, और रखने के बाद फिर इसे हम फोल्ड करेंगे। तो जिस साइड हमने आलू का मसाला बना के तैयार करके रखे हैं, उस साइड से हम मैदे को उठाएंगे और इसे फोल्ड करेंगे। तो चलिए इसको फोल्ड करते हैं। और बता देना, इसको हमें एक लेयर में ही फोल्ड करना है, इसको कई लेयर में हमें फोल्ड नहीं करना है। तो कई लेयर में फोल्ड कर देंगे ना, तो मैदा जो है अच्छे से अंदर सीकेगा नहीं और कच्चे होने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो इसे हम केवल एक लेयर में फोल्ड करेंगे। तो देखिए एक लेयर हम इसे फोल्ड कर लिए हैं। तो साइड से हम थोड़ा सा मैदे को कट कर देंगे, इस तरह से जो बचा हुआ मैदा का पार्ट है वो हम कट कर लेंगे, और बाकी जो है उसमें हम पानी लगा के और इसको हम चिपका देंगे। तो ये जो हमने कट किया है ना, इसको वापस फिर हम बाद में दूसरी रोल बेल कर तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए ये रोल बन के तैयार हो गया है। ये देख रहे हैं, ये कई लेयर में नहीं है, एक लेयर में ही बन के तैयार हुआ है। तो चलिए साइड से जो है उसे थोड़ा थोड़ा हम कट करके निकाल दे रहे हैं, ताकि हमारी रोल बिल्कुल एक जैसी हो जाए। तो इस तरीके से देखिए हमारी रोल बढ़िया से तैयार हो गई है। तो इसको बीच से हम 2 से 3 टुकड़े कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से कट करके हम निकाल लेते हैं। तो हो गई ना, देखिए इस तरह से हमारी मैदा की रोल बन के तैयार हो गई है। तो ये बिल्कुल समोसे जैसा ही लगेगा, बस थोड़ा सा तरीका इसका अलग हो गया है। तो चलिए इसको रखते हैं थाली में, और बाकी के भी रोल हम इसी तरीके से बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये हमने सारी रोल कट करके तैयार कर लिए हैं। तो अब चलते हैं फटाफट से इसे फ्राई करते हैं। लेकिन हमारी जो रोल है वो साइड से खुला हुआ है, तो साइड से मसाले निकल जाएंगे, इसलिए इसकी हम एक स्लेरी बना लेते हैं। तो इसमें हमने ना थोड़ा मैदा लिया है और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर का आटा। तो 1.5 चम्मच हम मैदा लिए थे और 1.5 चम्मच ही हम कॉर्नफ्लोर का आटा ले रहे हैं। तो कॉर्नफ्लोर का अगर आटा ना हो ना, तो मैदे से ही काम चल जाएगा। तो बस अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम एक गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे। तो घोल तैयार हो गया है। तो इधर हमने आँच पर तेल चढ़ा दिए थे और तेल हल्का गर्म हो गया है। तो अब इसमें हम रोल को फ्राई करेंगे। तो बहुत ज़्यादा तेल गर्म हम नहीं रखेंगे, नहीं तो हमारा जो समोसा रोल है वो ऊपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो हल्का गर्म तेल में हम ये रोल लेंगे और इसे, ये जो हमने घोल तैयार किए हैं उसमें इस तरह से डुबोएंगे, ताकि जो है इसकी जो लेयर है इस पर लग जाए और ये फिर आलू इसमें से बाहर ना निकले। तो इसे हम तेल में डाल देंगे। तो इसी तरह से सभी रोल को हम मैदे के घोल में डिप करके और फिर तेल में फ्राई करते हैं। तो एक बार हल्का सा इसे हम हिला डुला देंगे, बहुत ज़्यादा इसे बार बार हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं। जब ये एक तरफ से अच्छे से सीख जाए फिर इसे हम पलटेंगे। तो बीच में हल्का हल्का इसे हिला डुला देंगे। तो चलिए अभी धीमी आंच पर इसको हम पकने देते हैं। तो ये जो है हम धीमी आंच पर पका रहे हैं, तो इसको पकने में लगभग 5 से 7 मिनट तो लग जाएगा।
तो एक बार इसको अच्छे से चलिए पका लेते हैं और बता दें, हमारा रोल बनते बनते बाहर बारिश शुरू हो गई है और बहुत तेज़ बारिश हो रही है और इस वक्त शाम के 5 बज गए हैं। अनु और लकी चली गई हैं कोचिंग और शिवम हमारा कोचिंग जाने वाला है लेकिन वो जा नहीं पा रहा है क्योंकि होने लगी है बहुत तगड़ी बारिश। तो देखिए हमारी रोल जो है ये लगभग 5-7 मिनट हो गया है तो खूब अच्छे से सीख गया है। तो अब इसे हम तेल से अलग कर लेते हैं। अच्छे से घोल थोड़ा गाढ़ा रखिएगा नहीं तो जो आलू है वो निकल जाएगा। मैदे का जो है रोटी जब हम बनाएंगे तो उसे थोड़ा मोटाई रखेंगे, बहुत पतला नहीं रखेंगे नहीं तो बीच से फट के भी आलू का मसाला निकल जाएगा। तो फिलहाल हमारी रोल जो है फ्राई होकर तैयार हो गई है और बाहर बारिश भी हो रहा है और मौसम एकदम बढ़िया हो गया है हमारी समोसा रोल खाने के लिए। तो समोसा रोल बनाने के बाद ना कुछ मैदे बच गए थे तो उसका हमने इस तरह से सेवड़ा काट लिए हैं तो उसको भी हम फ्राई कर लेते हैं। ये नमकीन बड़ी अच्छी लगती है मैदे की, तो हमने मैदे में मोइन वगैरह अच्छे से डाले थे इसलिए बहुत ही अच्छी सी कुरकुरी और फुली फुली बनेगी। तो इसको भी हम फ्राई कर लेते हैं फटाफट से। तो हमारा रोल और ये दोनों आज का नाश्ता शाम का बढ़िया सा तैयार हो गया है। ये देखिए ये हो गई हमारी समोसा रोल और ये हो गया हमारी नमकीन। तो चलिए इसको भी हम आज से निकालते हैं और आज का वीडियो भी यहीं पे बंद करते हैं। अभी तो हम लोग चल रहे हैं, बारिश हो रही है तो फिर हम अपना नाश्ता एंजॉय करते हैं। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा और आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। फिर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।